गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। सुबह के हो रहे हैं 8:30 और मैं सो के उठी हूँ 7:30 बजे। ये जो घर है ये शादी वाला घर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। मेरी एक बड़ी मौसी आ गई है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलाऊंगी। और बाहर कुछ काम चल रहा है, तो चलिए देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर टेंट वेंट का सामान आ गया है, टेंट वेंट गिरेगा बाहर क्योंकि कल है तिलक। और चेयर भी आ गया है, चारपाई भी आ गया है। और इस तरह पूजा पाठ का तैयारी हो रहा है, ये पंडाल सज रहा है। थोड़े देर में यहाँ पर मानस पाठ होगा। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें आके इकट्ठा हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर होने जा रहा है मानस पाठ। पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, ये देखिए। और मामा भी रेडी हैं। तूने मारा क्यों? और यहाँ पर भी सारा तैयारी हो गया है पूजा पाठ का, और धीरे धीरे तैयारी चालू है। थोड़ा सा समय लगेगा, कल पूरा का पूरा सज जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए बड़ी मामी के घर। मेरे यहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी भाभी को कष्ट दिया जाए, उनको बोलूंगी कि पानी गर्म करके दे, तब मैं नहाऊंगी। मेरे को ठंडे पानी से नहीं नहाना, बहुत ठंड लग रही है। बाबा भाभी और सारी की सारी औरतें निकल चुकी हैं ढोल बाजे के साथ मटकोर के लिए। गांव में फंक्शन होता है मटकोर का, मिट्टी खोदा जाता है। तो जो भी फंक्शन है, जैसा भी है, हम आपको दिखाएंगे। और मैंने पहना है रेड साड़ी, जो रेड साड़ी है गोल्डन ज्वेलरी के साथ। बाल नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास समय नहीं थे, एंड सिल्वर बैंगल्स। ठीक है ना, अभी इवनिंग का समय है, उतना मेकअप की जरूरत भी नहीं। We'll be right back.
बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साड़ी बहुत ज्यादा हैवी था। और हमारे यहाँ आए हैं मेहमान, बहुत सारे लोग आए हैं। ये जो बच्चा है ये मेरी मामी के मायके के लोगों का है, बहुत ही क्यूट है। इसको बोलते हैं चौका पुराना, इसका मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता बट अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे क्या होगा? ए मम्मी, अच्छा यहाँ पे हल्दी चढ़ेगा। ओके, और मेरी जो माँ है ना वो हल्दी पीस रही है, कोई रिवाज है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ए मम्मी, ये हल्दिया चढ़ेगा। यूपी में हल्दी दूसरे तरीके से चढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए चौक पुराने के बाद से बाल्टी में मिट्टी रख के और यहाँ पर बांस वगैरह का ना ऐसे उगा के, और इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो इसको यहाँ पर लगा दिया गया है। और थोड़े देर बाद हल्दी भी चढ़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर हल्दी चढ़ने की तैयारी हो गई है, बस थोड़े ही देर में हल्दी चढ़ाया जाएगा। और इसमें क्या क्या लगा है मुझे ठीक से पता भी नहीं है, बट इसको सजा दिया गया है। पंडित जी आ गए हैं, धने भी रेडी है। इसको हल्दी सारे लोग चढ़ाएंगे, मम्मी, मौसी, मामी और यहाँ पर जितने औरतें हैं सारे के सारी औरतें हल्दी चढ़ाएंगी। मेरी नानी शांत बैठी है अकेले वहाँ पे, सब कुछ देख रही हैं। मार लाइट वाला के यहाँ पर हल्दी चढ़ गया है, पंडित जी बाहर जा रहे हैं, पूजा पाठ भी संपन्न हो गया है और मामा लोगों ने मिल के हल्दी चढ़ाया। 5 जेंट्स लगते हैं हल्दी चढ़ाने में। मामी ढेर ढेर लगाई। यहाँ पर हल्दी लगाया जा रहा है, नीतू दी हल्दी लगा रही हैं, बाकी औरतें लगा के चली गई हैं। अब थोड़े देर में चुमावन होगा, यहाँ पर भाभी मजाक कर रही हैं। ओ हेलो, कैमरा में आ रहा है। भाभियाँ बहुत दुष्ट होती हैं। ये देखो इनको भी। तो यहाँ पर आ गया है चावल और चुमावन अब स्टार्ट होगा। यह एक रिवाज है चुमावन का, थोड़ा थोड़ा भाभी, मम्मी, चाची सारे लोग चूमेंगे